नमस्कार, स्वागत है आपका गीता की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ चिली पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। ये पनीर लिया है, पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और ये प्याज है, प्याज को भी क्यूब्स में काट लिया है। और इसको अलग अलग ऐसे कर लेते हैं। ऐसे तो इसको जैसे ही काटो तो पानी में डाल दो तो ये अपने आप अलग हो जाते हैं। देखे काफ़ी अलग हो चुके हैं। और साथ में मैंने ये कैप्सिकम ली है, ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ी सी येलो ली है। और साथ में मैंने ये कॉर्न फ्लोर लिया है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, जिंजर एंड गार्लिक जूलियंस में कटा हुआ, और थोड़ा स्प्रिंग अनियन है। और साथ में ये सोया सॉस है और चिली सॉस और टमाटो सॉस और थोड़ी ये हरी मिर्च कटी हुई लंबी लंबी। ये थोड़ी स्वीट चिली सॉस है। अगर आपको स्वीट चिली सॉस आपके पास नहीं हो तो आप हल्की सी ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, ताकि उससे क्या है कि बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और उसके ऊपर एक ग्लेज बड़ी अच्छी आ जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए पनीर के ऊपर मैं थोड़ा सोया सॉस डालूंगी। इसको ऐसे अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि सबके ऊपर कोट हो जाए सोया सॉस। जैसे ही सोया सॉस कोट हो जाए तो हम इसके ऊपर ये कॉर्न फ्लोर डालेंगे। इसको भी बस जस्ट कोट करना है। बस ऑयल डाला है, अब हम जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ पनीर के पीसेस। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना, ये सोया सॉस के साथ ही ये पकड़ लेता है कॉर्नफ्लोर। ये जो बाकी थोड़े से पीसेस बचे हैं, मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल के इसको एयर फ्रायर में रख देती हूँ। तो आप ये भी देख सकेंगे कि कितना अच्छा सा हो जाता है। ये बस ऐसे इसको ऑयल ऐसे कोट करना है और एयर फ्रायर में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। बड़ा अच्छा से इसमें ना क्रिस्पीनेस आ जाती है कॉर्नफ्लोर से लगता है। आप सुन सकते हैं एकदम क्रिस्पीनेस इसकी, बड़ा मज़ेदार। ये भी रेडी हो गया, तो इसको भी हम लोग यहाँ साइड पे निकाल लेते हैं। So, हमारा ये पनीर भी रेडी हो गया, ये मेरे जिंजर भी फ्राई कर लिया था, ये भी अच्छे से रेडी हो गया। अब हम लोग इसकी सॉस बनाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में तेल लिया और साथ में ये गार्लिक के छोटे छोटे फ्लेक्स काट के डाल दिए। ये अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। पहले हमने सब्जियों को अलग से फ्राई नहीं किया क्योंकि फिर उसका क्रंचीनेस थोड़ा सा रहता है। मैं साथ ही इसको गार्लिक के साथ ही उनको भी फ्राई कर लेंगे ताकि वो क्रंच रहेंगी। ये बहुत ही जल्दी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो हमारा गार्लिक अच्छे से सॉटे हो गया, तो अब मैं इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ। जैसे ही प्याज हो गए थोड़ा सा तो अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो हमारी कैप्सिकम भी अच्छे से भुन गई है, तो अब मैं इसमें सॉसेज ऐड करूंगी। तो इसमें पहले सबसे पहले आप डालिए सोया सॉस।
साथ में ये रेड चिल्ली, ये चिल्ली गार्लिक सॉस है। साथ में ये टमाटो केचप, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट इसमें थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा क्योंकि सारी सॉसेस में सॉल्ट होता है, तो इसलिए बहुत हल्का सा। और साथ में कुटी हुई काली मिर्च। और अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। अगर आप एज ए स्टार्टर सर्व कर रहे हैं तो इसको इस स्टेज पे ऊपर से हरी मिर्च और जिंजर के जो जूलियंस हमने फ्राई करे थे वो डाल के सर्व कर दीजिए, और साथ में स्प्रिंग अनियंस। और अगर आपको ग्रेवी वाला रखना है तो इसमें हम थोड़ा सा अभी पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके थोड़ा इसको मिक्स कर लीजिए एक बार। ग्रेवी आप अपने हिसाब से जितनी चाहे कर सकते हैं। और थोड़ा साथ में ये कॉर्नफ्लोर को मैंने घोल बना लिया है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसको ऐड करते करते भी थोड़ा इसको चलाते रहिए ताकि एकदम से ये गाढ़ा हो जाता है। मैंने इसको सेमी ड्राई जैसा रखा है। अभी हम लोग इसको ऊपर से ये स्प्रिंग अनियंस और ये ग्रीन चिलीज और साथ ही साथ ये जिंजर डाल के इसको बस मिक्स कर लिया, और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप सर्व करने से पहले सॉल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब, आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।